यहाँ पे थोड़ा नहीं, बड़ा गफलत हो गया मेरे से। आपको पता है एक्चुअली मैं रास्ता भूल गया हूँ, जहाँ से शुरू किया था वो भी घूम के आ गया हूँ मैं। सो गाइस, व्लॉग 11 में आपका स्वागत है। और इस बार ये एक त्लांग जो एक माउंटेन है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत कुछ है अंदर, वो आज अभी देखने मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत ऊपर का रास्ता है और मैंने सुना है व्यू भी बहुत अच्छा है। तो चलिए 360 व्यू देखने के लिए ये एक त्लांग। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है एजोल सिटी से, 35 से लेके 40 किलोमीटर ये है। और सबसे बेस्ट सीज़न है विंटर सीज़न, और समर सीज़न में आप यहाँ पे बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे खा सकते हो, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, नंबर भी है, अंदर भी बहुत अच्छा है। एक बार सफ़र करके आते हो देखो, या फिर डिशेस, एग रोल, बिग रोल, एंड सबसे बढ़िया तो अपना यही है, द बर्ड्स एवरीवेयर। Climate, yeah, it is good. And inside also good. Very bird photography. चलिए अंदर जाते हैं। या डांस तो अभी तो कुछ स्नैक्स लेके आए हैं। और यहाँ पे माइलो भी है हमारे साथ। माइलो, तो गाइस अपना हम जो पहुँच ही गए, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी स्पोर्ट्स होती। रोपवे टाइप है यहाँ पे, बसेस अवेलेबल है और कार पार्किंग है यहाँ पे। Elephant, how can I ride in a horse? Yeah. How much is it? गाइस ये कैंप साइट है, कैंपिंग साइट।
It's too hot. It's too hot? Yeah. सब थक गए यहाँ पे सब एवरीवन या शो मी की कोबरा आई विल रन रन आई विल रन संतरा सी एक्टिवा इज कमिंग बट नॉट विथ माय वेट Let's go back. I'll come. You go. I will come. तो गाइज अभी ये यहाँ पे एक गुफा जैसा है तो वहाँ पे पहुँच गए हैं बहुत खूबसूरत है सो गाइज फाइनली वी रीच ये जहाँ से एंटर होगा मेन एरिया चलो देखते हैं आगे कैसा सीनरी होगा कैसा व्यू होगा फोटो में देखा था आज मैं रियल में देख रहा हूँ इतना खूबसूरत व्यू है ऊपर से जो मैं यकीन भी नहीं आ रहा था और 360 में ये व्यू अलग ही दिख रहा है ऐसा खूबसूरत नज़ारा विंटर में है तो सोचो कि बारिश के सीज़न में क्या खूबसूरत और बहुत अच्छा नज़ारा होगा
फिर भी ये मेन गेट से बहुत दूरी है, मतलब इतना थोड़ा क्लाइंबिंग करना पड़ता है, उसके बाद में आप पहुंच सकते हो। बट आप पहुंचने के बाद जो नज़ारा है, आहा क्या देखने लायक है गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइज, हो यू था कि मेमोरी कार्ड फुल हो गए, तो बस मेमोरी कार्ड चेंज कर दिया। अब बस पहुँच ही रही है, आप राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो फुल व्यू ऑफ रिक्लांग। रिक्लांग मीन्स माउंटेन, पहाड़ होता है, पूरा का पूरा व्यू है ये। राइट साइड लोग पार्टी कर रहे हैं, तो यहाँ से हम शॉर्टकट लेंगे। यहाँ पे शूट हो रहा है, ग्रुप शूट। No.
20 minutes later. यहाँ पे थोड़ा नहीं, बड़ा गफलत हो गया मेरे से। आपको पता है, एक्चुअली मैं रास्ता भूल गया हूँ। जहाँ से शुरू किया था वो भी घूम के आ गया हूँ मैं। भाई साहब, यहाँ से आया मैं और हम उस टाइम वहाँ से आए थे और यहाँ से गए थे, तो ये गोल घूम ऑलरेडी लेट है, उसमें और लेट। यार इससे बड़ा लोचा हो गया, बहुत बड़ा लोचा। फक, चलो फिर से जल्दी जल्दी। रेक तलांग एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप पिकनिक भी कर सकते हो या फिर टेंट भी लगा सकते हो। या मैं नीचे नहीं देखो ना, तो आप देख रहे हो नीचे कितना बड़ा गहरा है, तो नीचे देखना पड़ेगा। नाक तो मेरा रो रहा है, कल से एक था अब दोनों हो गए। तो अब वैसे यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं थे हम, क्योंकि लेट निकले। आप जल्दी निकलोगे तो आप ज़्यादा मज़ा कर सकते हो या फिर एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो आज फॉग है। तो रास्ता उतना ही खूबसूरत है जितना यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है। तो आप बारिश में आते हो ना, तब हरा भरा देख पाओगे। अभी फ़िलहाल तो आपकी वजह से वो नज़ारा नहीं दिख रहा है, बट फील आ रहा है एंजॉयनेस का। तो अभी जस्ट नीचे जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और डायरेक्टली जाएंगे घर। चलिए मेरे साथ, ले स्कूल गया। देखो फिर से वही जहाँ से शुरू किया था, साला दिमाग ख़राब हो गया। ये राइट नहीं मारना था, ये जो राइट है ना वो लेफ्ट मारना था। वो राइट मैंने क्या बताओ, अब लेफ्ट मार के जाना है। अंधेरा हो गया बहुत। अच्छा चलो यार, वो वेट कर रहे होंगे। फाइनली आई कम, पहुँच गया। अंदर में कुछ दिखेगा नहीं उतना, पर पहुंच तो गया। अब चलिए गेट पे। अरे आई टुक राइट, यू टुक लेफ्ट ना? आफ्टर यू कम डाउन यू टुक लेफ्ट फॉर मेन रोड, आई टुक राइट and again downstairs that's why
Okay. I ask somebody and they say, who? No, I don't want that. I ask somebody and they say, who? He's going up again the mountain. I think you are waiting for sunset. Who? You. Nah, yeah. Sunset, no. I forgot the road. Wait, take a rest first of that. No. I don't need rest. I will. One car is already going. One car going? Yeah. Wait, second car. Yeah. Oh. So finally पहुंच गए. अब चलिए, let's go. Where? Bike. Sorry for late. Yeah. Okay, let's go home. I will wait in my tent. Hello. ये अंधेरा बता गया है. आप क्या लगता है कितना बजे होंगे अभी? एक्चुअली में 5 बजे सिर्फ, और इतना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे. मतलब सोचो कि अंधेरा कितना जल्दी होता है यहाँ पे. नाइट बहुत जल्दी होती है. इट्स लाइक 4:30 और 5 PM अंधेरा हो जाता है. कैसे जाएंगे? 20 minutes later. रास्ते में किसी की तो बाइक एक्टिवा ख़राब हुई थी, तो ये पुपिये भाई और उसकी सिस्टर एक्चुअली वहाँ पे रुके थे. तो तब तक हमने, जब तक उसको बाइक रिपेयर ना हुई तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा. बाइक रिपेयर कर दी उसकी एक्टिवा और हम चल पड़े. और ये क्रिसमस एंडिंग का, हैप्पी न्यू ईयर बिगिनिंग का ब्यूटीफुल खूबसूरत ऐसा डेकोरेशन. सो गाइज, ये एपिसोड में इतना ही. आपको कैसा लगा ये एपिसोड, कैसा लगा ये पूरा वीडियो, कमेंट करके बताना. और हाँ, ये को प्लेसेस को विजिट करना भूलिए मत. और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बहुत कुछ आगे, इतना बहुत एक्साइटेड होगा. आप आगे ये वीडियो देखना भूलिए मत. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हू मेक दिस रोड? I think we cannot go.